हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक काउंसिलिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि झारखंड पॉलिटेक्निक का रिजल्ट जो है 26 अप्रैल को ही आ गया है, तो अब काउंसिलिंग आप लोगों की कब होगी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ में हम बात करेंगे कि इस बार कितने रैंक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और पिछले बार कितने रैंक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, उसका PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा, राइट। और आपको एडमिशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे तब तक हेल्प किया जाएगा जब तक आपको आपके रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज मिल नहीं जाता है। हम आपको टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे या फिर जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे हम आपको पर्सनली हेल्प करेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, राइट। बाकी PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल या क्रोम पे जाना, वहां पे सर्च करना PCResult.com, ठीक है ना। तो यहां पे सर्च करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, तो यहां पे आपको दिखेगा PCResult.com। तो हम यहां पे होम पे क्लिक कर लेंगे, और यहां पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू अपडेट पे आ जाना है। हम इस पे और क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको झारखंड पॉलिटेक्निक दिखेगा, इस पे हम क्लिक कर लेंगे, राइट। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है, मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे यदि हम काउंसिलिंग डेट की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में जो है इलेक्शन होने वाला है। तो देखा जाए तो यदि काउंसिलिंग स्टार्ट होने का होगा तो 20 मई से पहले हो जाएगा, या फिर यदि 20 मई तक नहीं हुआ तो 25 के बाद ही आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। लास्ट वीक ऑफ मई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई तक आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। बाकी यहाँ पे यदि हम बात करें कॉलेज की, तो 17 के आसपास कॉलेज है गवर्नमेंट, 5000 के आसपास सीट है, और 55,000 इस बार जो है स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम दिया था, और यहाँ पे 5 से 7 यहाँ पे ट्रेड आपको झारखंड पॉलिटेक्निक में मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है कॉलेज का लिस्ट मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो है कितने कॉलेज हैं और कौन सा कॉलेज में आपको जाना है, ठीक है, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कितने रैंक वालों को इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। देखो, सीट हो सकता है कि इस बार आपका बढ़े, यदि सीट बढ़ता है तो अच्छी बात है, चांसेस बढ़ेंगे कॉलेज मिलने के, राइट। ऐसे यदि बात करें तो यदि आपका कैटेगरी रैंक साथ में है, ठीक है, जैसे कि OBC है, तो 20,000 भी यदि आपका रैंक UR आता है और साथ में OBC रैंक है आपके पास, ठीक है ना, OBC रैंक है, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड राउंड तक हम आपको दिला देंगे, ठीक है। और यदि आपका यहाँ पे जो है, यदि आपका मानो कि आपके पास कैटेगरी रैंक नहीं है, ठीक है ना, तब पर भी हम आपको दिला देंगे, लेकिन आपका रैंक UR कम से कम 15,000 के आसपास होना चाहिए, ठीक है, सेकेंड राउंड तक आराम से कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है सारी चीज़ें दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप इसको जरूर चेकआउट करो इस वेबसाइट पे आकर के, ठीक है। और ये पिछले बार जितने रैंक वालों को कॉलेज मिला था जिस राउंड में, उसके हिसाब से ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ये चीज़ें, ठीक है, आप इसको चेकआउट करो। और मैं पिछले 3 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से काउंसलिंग भी करा सकते हो, बेस्ट काउंसलिंग होगी और घर बैठे आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। और मुझे याद है कि पिछले बार मैंने जो है यहाँ पे जिसका 16,000 रैंक था, कैटेगरी रैंक नहीं भी था, फिर भी मैंने उसको सेकेंड राउंड में धनबाद कॉलेज दिलाया था, ठीक है। तो आप यहाँ से काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कॉलेज मिलने के। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट मिल जाता है, आप जरूर इसको देखो। ऐसे मैं आपको समझा देता हूँ, एडमिट कार्ड आपने जो एग्जाम दिया होगा, ठीक है, तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, रैंक कार्ड भी होगा, आपका जो भी रैंक आया है, जब आपको सीट अलॉट होगा तो अलॉटमेंट लेटर आएगा, वो लेके जाना है। जब पेमेंट करोगे तो फी एक्सेप्टेड यहाँ पे रिसिप्ट आपको मिलेगा, वो लेके जाना है। 10th का मार्कशीट लेके जाना है और एडमिट कार्ड, 12th का लेके जाओगे तो चलेगा, नहीं भी लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है उसका, ठीक है। TC आपको तब लगेगा जब आप कहीं पर पढ़ रहे हो, तो वहाँ से नाम कटा के आपको TC लेना है। यदि आप 10th का इस बार एग्जाम दिए हो तो SLC आपको लेके जाना है, और यदि 12th का एग्जाम दिए हो तो CLC आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो है बनवा लेना है हॉस्पिटल में जा करके, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज से मिल जाएगा या फिर स्कूल से जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, पहले पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, 10th या 12th में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गैपिंग सर्टिफिकेट तब लगेगा जब आपके क्वालिफिकेशन में गैप हो, मानो कि आपने 2022 में आपने 10th किया या 12th किया, उसके बाद आपने 23 में कुछ नहीं किया, तो आपको यहाँ पे गैपिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा।
उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद आधार कार्ड। इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने के भीतर का ही बना हुआ होना चाहिए और जाति, आय, निवास, ये 3 चीज यदि अपने आपके पास नहीं है तो आप अभी अप्लाई कर दो क्योंकि टाइम लगता है बनने में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो है काउंसलिंग लिंक, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ से कर सकते हो, बाकी आप मेरे से कराओगे तो मैं सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे यदि आपको पिछले साल का डाउनलोड करना है, ओपन क्लोज रैंक, कितने रैंक वालों को फर्स्ट ऑनर पिछले बार मिला था उसका पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे सेकंड और थर्ड राउंड का भी दिया गया, मैं फर्स्ट राउंड का डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। इसके सामने वाले क्लिकर पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो फाइनली डाउनलोड हो गया है, तो इसी तरह से डाउनलोड करके चेक कर लेना, क्योंकि इसको चेक कर लोगे तो अनुमान लग जाएगा कि इस बार कितने रैंक वालों को मिल सकता है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड तीनों में, ठीक है। तो तीनों का पीडीएफ दिया है, जाके चेक कीजिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, सो थैंक यू सो मच।